तैयार हो जाएंगे, ये फिर आगे काम करते रहेंगे। तो समय शक्ति वहां लगानी चाहिए जहां रिजल्ट आता हो। यहाँ सर्वधर्म सम्मेलन में कोई परिणाम नहीं आता, ये केवल दिखावा होता है, एक प्रदर्शन होता है। बहुत सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं, जनता खुश हो जाती है कि हाँ सब लोग आए। अरे आए थे, फिर निर्णय क्या हुआ? कोई उसका रिजल्ट भी तो निकालो, निर्णय क्या हुआ, क्या करना चाहिए, क्या ठीक और क्या गलत, इसका फैसला कौन करता है? सही गलत का फैसला कोई करने को तैयार नहीं है। अच्छा चलिए एक आखिरी बात बता दूं, समय बहुत हो रहा है। भारत में जब गणित पढ़ाते हैं स्कूलों में तो कैसे पढ़ाते हैं? 5 8 40। और जापान में 5 8 कितना होगा? जापान में 40। और चाइना में, रूस में, अमेरिका में, सारी दुनिया में एक ही गणित पढ़ाते हैं, ठीक है। अगर कोई दूसरे स्कूल वाले दूसरे तरह के गणित पढ़ाने लग जाए, एक स्कूल वाले पढ़ाएंगे 5 8 40, दूसरे स्कूल वाले पढ़ाएंगे 5 8 33, तो वो चलेगा? आप स्वीकार कर लेंगे? नहीं करेंगे ना। अगर दो स्कूल अलग अलग गणित पढ़ाएंगे तो उनमें लड़ाई झगड़ा होगा या नहीं होगा? होगा ना। तो मैथमेटिक्स पूरी दुनिया में एक जैसा पढ़ाते हैं, इसलिए गणित के नाम पर कोई झगड़ा नहीं होता। कभी तलवार नहीं खींची, कभी बंदूक नहीं उठी, ये सब ये 5 8 40 बोलता है। जब सारे 40 बोलते हैं तो कौन बंदूक उठाएगा? कोई 33 बोले तो जरूर उठेगी बंदूक, ये 33 बोलता है इसको उठाओ, ये गलत पढ़ा रहा है। हो गया नहीं झगड़ा? तो सारी दुनिया में मैथमेटिक्स एक जैसा पढ़ाता है, इसलिए झगड़ा नहीं। केमिस्ट्री सारी दुनिया में एक जैसी पढ़ाते हैं, हीलियम, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, सिलिकॉन, कॉपर, गोल्ड, सारी दुनिया में एक जैसी पढ़ाते हैं केमिस्ट्री, तो कोई झगड़ा नहीं। और फिर फिजिक्स पढ़ाते हैं तो एक जैसी पढ़ाते हैं, एटम, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, एनर्जी, सब एक जैसी पढ़ाते हैं, तो कोई झगड़ा नहीं। अब धर्म के नाम पर झगड़ा है, क्यों झगड़ा? उत्तर समझ में आया क्यों झगड़ा है धर्म के नाम पर? एक जैसा नहीं पढ़ाते। तो वो जो सर्वधर्म वाले सम्मेलन वाले हैं, मैं उनसे पूछता हूँ सारे मिलकर एक धर्म पढ़ाओ, मैं आऊंगा, चलो अभी मैं कागज पे साइन करता हूँ, आप सारे धर्म वाले मिलकर एक धर्म पढ़ाओ, एक जैसा ईश्वर पढ़ाओ, मैं जरूर आऊंगा। अब कोई 5 8 33 पढ़ा रहा है, कोई 5 8 44 पढ़ा रहा है, कोई 5 8 47 पढ़ा रहा है, आप जाओगे ऐसी सभा में? तो मैं क्यों जाऊँ? आप नहीं जाते, मैं क्यों जाऊँ? कोई बात नहीं लगा। तो जहाँ सत्य को स्वीकार करेंगे वहां जाएंगे, सत्य को तो स्वीकार करते नहीं। बोली बात है, बोली बोली।